हाय गाइस, मेरा नाम है सुशांत गुर्जर। आज हम बात करेंगे कि कैलोरिक सरप्लस क्या होता है। ये जो शब्द है आपको इंटरनेट पे काफ़ी देखने को मिलेगा। इसे लोग ऐसे कैलोरी सरप्लस भी बोल देते हैं और कैलोरिक सरप्लस भी बोल देते हैं। तो हम बात करेंगे कैलोरिक सरप्लस क्या होता है। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने अभी दो वीडियोस पहले ही बात करी है कि क्या होती हैं और कैसे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलोरिक सरप्लस होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना। बस कैलोरिक सरप्लस यही होता है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना। मान लो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2350 कैलोरीज पे। मान लो आज के दिन मेरी मेंटेनेंस कैलोरी मेरी 2350 कैलोरी है, तो अगर मैं 2500 कैलोरी खाता हूँ तो मैंने 150 कैलोरी का सरप्लस बना दिया। 2500 में से 2350 घटाओगे तो 150 आएगा, तो मैंने 150 कैलोरी का सरप्लस बना दिया। ऐसे बोलते हैं कि मैंने 150 कैलोरी का सरप्लस बना दिया, 150 कैलोरी का कैलोरिक सरप्लस बना दिया। सरप्लस या कैलोरिक सरप्लस एक ही बात है, आमतौर पर सरप्लस बोल देते हैं शॉर्ट में, छोटे में। तो अगर मैं कैलोरी सरप्लस में रहूँगा तो मेरा वज़न बढ़ेगा। और अगर मैंने जैसे पिछले वीडियो में बात करी थी, अगर मैं कैलोरी डिफिसिट में रहूँगा तो मेरा वज़न घटेगा। तो लोग वज़न बढ़ाने के लिए कैलोरी सरप्लस में रहते हैं, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाते हैं, और वज़न घटाने के लिए कैलोरी डिफिसिट में रहते हैं, अपनी मेंटेनेंस से कम खाते हैं। जैसे कि मैंने मेंटेनेंस कैलोरी वाले वीडियो में काफ़ी सारे एग्जांपल दिए थे, वैसे ही कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट में भी लागू होता है। तो जैसे दो दिन मान लो मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरी कम खाई, मतलब आज मैंने 200 कैलोरी अपनी मेंटेनेंस से कम खाई, कल भी मैंने 200 कम खाई, तो कुल मिला के मैंने दो दिन में 400 कैलोरी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाई। और तीसरे दिन मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 800 कैलोरी ज़्यादा खा ली, तो कुल मिला के पहले दो दिन में मैंने 400 कम खाई, तीसरे दिन में मैंने 800 ज़्यादा खा ली, तो कुल मिलाकर के मैंने तीन दिन में अपनी मेंटेनेंस कैलोरी की से 400 कैलोरी ज़्यादा खाई। तो यही मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे मेंटेनेंस कैलोरी वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, वैसे ही कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस पे भी लागू होते हैं। काफ़ी लोग फैट लॉस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलोरी डेफिसिट में रहना ज़रूरी है, वैसे ही मसल गेन करने के लिए, मतलब मांसपेशियां बढ़ाने के लिए अपने शरीर में कैलोरी सरप्लस में रहा जाता है। कैलोरी डेफिसिट में भी ऐसा नहीं है कि मसल गेन नहीं होती, कैलोरी डेफिसिट में मसल गेन हो जाती है, लेकिन वो या तो बहुत धीरे होती है या फिर बहुत बार होती नहीं है। तो मसल बढ़ाने के लिए हम ज़्यादातर लोग कैलोरी सरप्लस में रहना चाहते हैं, कह लो प्रिफर करते हैं, या फिर यूँ कह लो रहना चाहिए। अगर मसल गेन करना अगर हमारा मकसद है तो हमें कैलोरी सरप्लस में रहना चाहिए, उससे हमारा वज़न बढ़ेगा और वो जो वज़न बढ़ेगा उसमें काफ़ी हमारे शरीर में मसल यानी कि मांसपेशियां बढ़ेगी। पर ऐसा मतलब नहीं है कि डेफिसिट में मसल बढ़ती नहीं है, डेफिसिट में मसल या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है या फिर काफ़ी बार नहीं बढ़ती है, इसलिए लोग कैलोरी सरप्लस में रहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ती है, काफ़ी जल्दी बढ़ती है। तो ये था कैलोरी सरप्लस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अगर आपको कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में पूछ लो, अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के का पता चल जाए, आप ऐसा चाहते हो तो नोटिफिकेशन चालू कर दो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।